भारत में तकरीबन 4 करोड़ निर्माण मजदूर मौजूद हैं, जिनमें से महिलाओं की संख्या करीब 1 करोड़ है। इनमें से कई प्रवासी मजदूर ठेकेदारों या एजेंट द्वारा गांवों से शहर लाए गए हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के भवन, सड़क, नहर, नालियों, डैम या रेलवे ट्रैक आदि के निर्माण के दौरान काम पर लगाया जाता है। निर्माण मजदूरों के लिए काम से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानून मौजूद हैं। ऐसा ही एक कानून है भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों रोजगार नियमन तथा सेवा शर्तें अधिनियम 1996। निर्माण मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन अवश्य ही दिया जाना चाहिए। न्यूनतम वेतन हर राज्य में अलग है। एक जैसे कार्यों के लिए महिला कामगारों को भी पुरुष कामगारों के समान ही वेतन दिया जाना है। कामगारों से मालिक या ठेकेदार एक दिन में केवल 9 घंटे या सप्ताह में कुल 48 घंटे ही काम करवा सकता है। हर 5 घंटे लगातार काम करने के बाद उन्हें आधे घंटे का आराम देना जरूरी है। यदि इससे अधिक काम करवाया जाता है तो उन्हें ओवरटाइम में वेतन से दोगुना पैसा मिलना चाहिए। कामगारों को हफ्ते में एक दिन वेतन सहित छुट्टी मिलनी चाहिए। वेतन हर महीने के 7वें दिन तक मिल जानी चाहिए। ठेकेदार कामगारों के वेतन में से अपना कमीशन नहीं काट सकता। ठेकेदारों को कामगारों के लिए निर्माण स्थल पर कुछ सुविधाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध करानी चाहिए। हेलमेट, दस्ताने, चश्मे और जिन कामगारों का चढ़ने का काम हो उन्हें हार्नेस की सुरक्षा मिलनी चाहिए। कार्यस्थल पर पीने का पानी, फर्स्ट एड बॉक्स तथा शौचालय अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। 20 से अधिक महिला कामगारों के 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए एक क्रेच या झूलाघर जरूर होना चाहिए। यदि ठेकेदार ये सुविधाएं नहीं देता है तो मालिक की जिम्मेदारी है कि वो ये सुविधाएं उपलब्ध कराए। अगर किसी महिला कामगार के साथ कोई वहां छेड़खानी करता है तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यदि किसी 18 से 60 वर्षीय निर्माण श्रमिक ने एक वर्ष में 90 दिनों तक काम किया हो तो वह जिला श्रम कार्यालय स्थित भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में अपना पंजीकरण करा सकता है। इससे उसे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पैसे प्राप्त करने तथा अन्य लाभ उठाने में सहायता मिलेगी। सभी लाभार्थियों को इसके लिए वहां से एक पहचान पत्र भी दिया जाता है। कृपया अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नजदीकी सरकारी श्रम कार्यालय या मार्ग 205 व 206 शाहपुर जाट, नई दिल्ली। फोन नंबर 011-2649-7483।